जगह पर हमारी माई हमें लोरी सुनाया करती थी। तोहरी माई तो का लोरी सुनाई रही, हम का लोरी सुना हो ना? लोरी तो सोने के लिए सुनाई जाती है ना। अच्छा, लियो, समझ लियो हमका सोना है, अब तो हमका लोरी सुनाओ। अंजोर, ये क्या? अच्छा ठीक है, सुनाते हैं लोरी। अच्छा एक बात बता, कुछ दिन पहले कुछ गुंडे हमरे पीछे भागत रहे थे तो हम डर के एक घर में छुप गए थे। गुंडे लोग आपके पीछे क्यों भाग रहे थे? कौन थे वो लोग? अरे हम उनका नाम पता नहीं पूछे, वो काहे ना छोटका छोटका गांव में बड़का बड़का गुंडा घूमत ही रहता है। पर हम उन गुंडा लोगों से बचे खाते बताते हम खा किए। चलो हमरे साथ। भागते हुए आए और उस लादी के पीछे छुप गए। आओ देखो हम कैसे किए। जैसा जैसा हम यहाँ अगर छुप गए, फिर इको पल में वो गुंडा लोगन भी यहाँ आ गया, फिर हम उका सामने आ गए। और फिर तुमने कहीं से मिर्च वाली थाली निकाली होगी, है ना? हाँ, तुका कैसे पता चला? खैर छोड़ो, फिर हमने ये पंखा चालू किया। और फिर तुमने उस मिर्च की थाली को इस पंखे के आगे कर दिया होगा और उन गुंडों की हालत बिगड़ गई होगी और वो लोग यहाँ से भाग गए होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा। ये देखो। हाँ बच्चों, पानी दो, पानी दो, पानी। चकोरिया के बापू, आप जिस चकोरिया को ढूंढ रहे थे ना, वो चकोरिया हुआ है, देखो। देख रहे हम अपनी चकोरिया को। 7 बरस बाद पहली बार हम चकोरिया को हंसते हुए देख रहे, खुश देख रहे। बिल्कुल ठीक कहे थे तू कस्तूरिया, हम तो चकोरिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही भूल गए थे। देख, आजाद गंज अपना जादू कर ही दिया। बापू, आप लोग डंडे वाली, ये दोनों तुम्हारी माई बापू है का? अरे जी, बस बस, पाई लगी है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा डंडे वाली की माई। डंडे वाली की माई, ये क्या बात है? वो का है ना, ये डंडे वाली वो बुरे लोगन का लाठी घुमाई घुमाई के मारत है, इका लिए हम इका नाम रख दिए डंडे वाली। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया नाम है ना? मगर अगर ये डंडे वाली है तो इकी माई कौन हुई है फिर? ये तो सोची वाली बात है ना, तो हम तुका बुलाई है नानी माई। बचवा, ये बहुत ही अच्छा नाम है, हमका बहुत अच्छा लगा।
बिटिया तू तो बहुत प्यारा बोलत है, तोहरा नाम का है? हमरा नाम कविता में बताते हैं। धरती भीग जाई है जब छाई घटागन गोद, सब हमका भुलावत है अंजोर। और अंजोर का मतबल जानत है? अंजोर का मतबल होवत है उजियारा। ए वाह, उजियारा बहुत अच्छा मतबल है। पता है अंजोर, ऐसा लागत है कि तोरे नाम से जो है हमरी चकोरिया के मुंह पर उजियारा आई गवा। दिया, बहुत देरी हो गया है, चलो अब घर चलो। अरे बापू आए रहे हैं, पहले नाना जी का पैर तो छिल लेने दो। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। हमका आशीर्वाद दे दियो नाना जी, हम पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान बने का चाहते हैं। बिटिया तू हमेशा खुश रहे, तू जो भी बनना चाहती है ना, तेरी सारी आशा पूरी हो जाए। हम तो ठंडे वाली के जैसे बनना चाहते हैं। इका लिए हम समझाए रहे, हमरा नाम स्कूल में लिखाई दियो। अंजोर बहुत चतुर है, आप उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? कहा है ना कि हम लोग बहुत गरीब है ना, तो उका स्कूल कैसे भेज सकत है? दुकान पर बैठत है तब चार पैसा घर में आवत, और उहे इका लिए बढ़िया है। तो आपको पैसों की परेशानी? अगर हम आपकी मदद करें और अंजोर की पढ़ाई लिखाई के सारे पैसे माफ करवा दें, तब तो आप अंजोर को पढ़ाई करने स्कूल भेज सकते हैं ना। हम तोरे हाथ जोड़त हैं, हमका माफ करो। यह मुफ्त के पढ़ाई के उपकार की वजह से हमारी बिटिया का जान जोखिम में पड़ा रहा। हमका दोबारा ना ही सुने का आई ये पढ़ाई लिखाई का नाम। आप हमारी बिटिया का जान बचाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। चल अंजुरिया। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। चकोरिया, अच्छा अगर आज साध्वी होती तो इक्की जैसी होती ना, इतने बरस के। अच्छा देखा तूने, तू आजाद के जो वापस आई गई, ये बच्ची के कार तो का पता है? आज इस बच्ची को देखकर ना हमका तोरा बचपन याद आएगा। तो बिल्कुल ऐसी थी रे बचवा, सच बोलती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, गांधी जी के रास्ते पर चलती थी। चकोरिया बच्चा तो अपने आप को ना ही भूल, तू चकोर है, चकोर आजादगंज की चकोर, यहाँ की बेटी है तू। तू अपने पर काट कर, अपने परों को बांध कर नहीं रख सकती बच्चा। तू का उड़ी का चाहिए बच्चा, तू उड़ी के लिए पैदा हुई है बच्चा। तू अच्छी तब हो लागत है जब तू आकाश की तरफ, आसमान की तरफ, चांद की तरफ उड़ा थे, चांद को छूने की कोशिश करी है, बड़े बड़े सपने देखी। हमारी बात मान चकोरिया, आजादगंज तोरा घर है, तोरा सब कुछ है, यहाँ रहने का वक्त आई गवाए चकोरिया। आजादगंज तो कब बुला रहा है बचवा, बनाना ही कर। तुका उड़ान भरनी ही होगी चकोरिया, भरनी ही होगी तुका उड़ान। गुमान सिंह, तुरी घमंड का क्या हुआ? अब तक नहीं गई, जो ऊपर वाला भगवान है ना वो बिल्कुल सही बोले रहा, जान राखी है घमंड, उका हुई है सर्वनाश। देखो ना तुम कैसे हवे में उड़ रहे थे और अभी पल पल पछताए रहे। इमली देवी, चुप करो गुमान सिंह, अब तो चुप करो।
अभी भी इतनी बकैती करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सहन। और सुनो हमरी बात, कि तुम कहा बोले रहे थे कि तुमरी और हमरी कभी भी बराबरी नहीं हुई सकत है ना, तो देखो ऊपर वाला सुन लिया तोरी, तुमरी और हमरी कभी भी बराबरी नहीं हुई सकत। हम ठहरे इमली देवी और तुम ठहरे मामले से मुजरिम। छी अब देखो ना, तुमरी सती सावित्री बिचारी सी छुटकी बहनवाणी उका ही लागत है क्योंकि भैया को फसाया जा रहा है। अगर उका पता चलिए कि वो भाई जी का वो राम समझाते, वो राम नहीं रावण है जो जंगलों में औरतों का शिकार करत है, बंदी बनाकर बाणी चलावत है उके ऊपर। अरे तोरा नंबर के ठाकुर नहीं बल्कि गिरा हुआ ठाकुर होएगा चाहिए था। सरा सोचो, अगर तुमरी ईमानदार वकील साहिबा बहन वाणी का पता चल जाता तुम्हारे कर्मों और करतूतों के बारे में तो क्या करती? तुमका जीवन भर के लिए जेल में सड़ने के लिए भेज देती हूं। का खूर का रहे हो गुमान सिंह? तुका का लगा गुमान सिंह कि हमका तुम्हारे कर्म करतूतों के बारे में पता नहीं है? हम हमेशा कहते, आज फिर कहते हैं कि हम इमली देवी हैं और हम जो जो करते हैं, जिसके भी साथ करते हैं, उसकी सारी जानकारी हमारे पास होवत है। तुरी सारी गतिविधियों के बारे में हमका सब पता है। का समझे? हमें रिहा करवाई तो इमली देवी। हम काहे निकाले बाहर? हम पगला गए हैं का? ये दिमाग है ना, दिमाग खिस गया ना तो तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोल के सामने रख देगा। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम यहां ना हमें मिलने मिलने नहीं आई हो, बल्कि देखने आई हो कि हमने तुम्हारी काली करतूत किसी को बता तो नहीं दी। ये जो इतनी मेहनत करके हम पे तरस खा के आई हो ना, हम सब जानते हैं कि तुम यहां काहे आई हो, हमसे सौदा करने आई हो। अपना मुंह बन का ही नहीं रखते हो कुमान से? जब आधे आधे हिस्सेदारी की बात हो चुकी है तो इतना पटर पटर काहे करत हो? पटर पटर खुद करत हो और बोल हम का रही हो? हिस्सेदारी चाहिए? बराबरी की हिस्सेदारी तभी मानी जाएगी जब अपनी गलती सुधारोगी इमली देवी। वो चकोर और फुटकी को मिलाई की गलती। वो हमारी गलती नहीं थी गुमान से, हमारी सोची समझी चाल थी। हम अपने दाव पेच बहुत सोच समझ के खेले थे। तुम चिंता नहीं करो, वो माँ बेटी को हमने एक जरूर किया है, अगर वही माँ बेटी को अलग करेगा ऐसा प्रबंध किए रहे हूं कि इस जन्म में तो कभी भी वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाई है। ये सुना, तू ना एक रोटी और दे हमारी बिटिया अंजुरिया के, पेट भर के खाए दो इका। और सुनो सुनो सुनो, खूब ढेर घी लगाओ उसमें। लगाओ तो बापू, अम्मा बताइए ना, आज हमारे घर में इतना बढ़िया खाना कैसे ना? जो घी तुम ये रोटी में लगाई हो वो तो हम पूरे साल में नहीं खाते। अब बिटिया, अगर हम तोहका ये कहे कि ऐसा घी लगी रोटी और ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना रोज खाए के मिले तो? अरे ऐसे हैरान हो के काहे देखो? तो हम मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं तुमसे,
सच बोल रहे हैं। ऐसा खाना ना हमके रोज खाए के मिले। अगर तुम ना एक इतना सा काम कर दो। हाँ कहिए ना बाबू, ऐसा खाना खाए खाते हम पहाड़ी वाले जंगल से ढेर सारे फूल तक लाई है और दुगना कमाई है। छे, इतना भारी काम थोड़े ना करे का है तुमको, तुमको तो एकदम छोटू सा काम करे का है। वो कहा है बिटिया कि वो जो हम बड़के ठाकुर के विरुद्ध में रिपोर्ट लिखवाए हैं ना, है ना, उसका बस वापस लेने का है। और बोल देने का है कि हमको कोनो अगवा हुआ नहीं किया, बस। अरे कहा हुआ? हमको नहीं चाहिए ऐसा खाना। एक खाना नहीं, घूस है घूस, और घूस हम नहीं खाना है। ए, क्या बोल रही है? खाना है घूस नहीं है, पगला गई हो का? बाबू, हम कह दी तो का कि हम बात वापस नहीं लई है, मतलब नहीं लई है। बड़ के ठाकुर हमारे साथ अन्याय किए थे, तुम हमसे झूठ बोलने के लिए बोला था, पर हम झूठ नहीं बोला था। हम उस डंडे वाले को वचन दे रहे कि हम झूठ नहीं बोली है, और हम अपने जुबान से वापस नहीं पलटी है। सुगना, पूरा आजादगंज बोलते है कि ये आजादगंज की सबसे चलाक लड़की है, पर हम कहते हैं कि ये सबसे मूर्ख लड़की है आजादगंज की। पूछो काहे? पूछो। पापा क्या करो, थोड़ी अम्मा को मार मारो। ये तो तारी अम्मा के चेहरा पे दाग देखत हो, धोखा का लागत है कि गड़ा में गिरे से आया है? नहीं, इका हम धोए हैं डंडा से, समझी? अम्मा, ये सच है का? पापू तो का मारे का? और अगर तू हमारा बात नहीं सुनिए ना, तो हम इका फिर धोई है। बोल, रिपोर्ट वापस ली है कि नहीं? तो बोल ली है कि नहीं? माए बापू, आज इतने सालों बाद हमने किसी बच्ची की आंखों में सच्चाई की चमक देखी। उसकी आंखों में डर खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं थी। भगू जी, तुमको बहुत डर लागत है। इको तरफ डरने वाली है जो का हम वचन दिए रहे कि हम कभी झूठ नहीं बोली है, और दूसरी तरफ हमारे माई के जान खतरे में है। करे बबू जी, बचाई दियो।